वेलकम बाय मेरे यूट्यूब चैनल। कैसे हो? गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते होगे काफ़ी अच्छे होगे। जैसा कि पता है अभी सुबह हो चुकी है। सुबह क्या हो चुकी है, आधा सुबह निकल चुकी है, पर मेरी तो अभी सुबह हुई है। वैसे मैं उठ तो काफ़ी जल्दी गई थी, जल्दी मतलब 7 बजे मैं उठ गई थी बिस्तर से। फिर मैंने उठ के पहले तो घर का काम किया, काम मतलब वो किचन साफ की, बर्तन धोया मैंने, थोड़ी सी बर्तन रह गए थे रात के। और फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया, झाड़ू लगा के थोड़ी सी चाय बनाई। फिर मैंने फर्स्ट मुझे सुबह चाय की आदत है, मैं तो पहले चाय पीती हूँ उसके बाद सारा काम करती हूँ। फिर उसके बाद मैं नहाई, पूजा किया मैंने, और अभी मैं किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ मेरा गैस चालू, ये देखो। और यहाँ पर चलो मैं आपको दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ मैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ बैंगन की सब्ज़ी। मैंने बैंगन की सब्ज़ी बनाई है। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा बैंगन का सब्ज़ी, इसमें तो कुछ है ही नहीं है यार, तो मैंने इसमें कुछ डाला ही नहीं है, तो होगा कहाँ से गाइस। तो अभी मैंने इसमें सिर्फ नमक डाला हुआ और बैंगन डाली हुई है मैंने। तो आलू मैंने डाला नहीं है क्योंकि 2 दिन से आलू की सब्ज़ी बन गई थी, तो इसलिए मैंने आलू नहीं डाला है। इसमें सिर्फ बैंगन डाली हुई, मैंने बैंगन ही ऐड किया हुआ, कुछ नहीं डाला अभी। तो इसमें भी मैं नमक डाल चुकी हूँ, अभी हल्दी और मिर्ची भी डालूंगी इसमें। तो मैंने सोचा चलो एक छोटा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया हुआ कि मैं रोज़ एक छोटी छोटी ब्लॉग बनाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी ब्लॉग को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी। आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो ही मैं आगे जा सकती हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि दूसरों की तरह मेरी वीडियोज़ भी ग्लो करे और मेरी ब्लॉग भी चले। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है गाइस, और मेरी ब्लॉग को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जैसे कि पता है अभी छठ है, तो आज खरना है। खरना मतलब ये होता है कि खिलाना पिलाना होता है, सबको बुलाया जाता है, रिश्तेदारों को, बाहर लोगों को, और खाना पीना। पर मैं बंगाली हूँ, मैं बिहारी हूँ नहीं, मैं छठ नहीं करती हूँ। तो अभी आज तो खरना है, पर अभी मैं बहुत 20 तारीख को मैं जाने वाली हूँ छठ देखने के लिए। तो वहाँ का भी एक छोटा सा ब्लॉग शूट करके मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि छठ में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, मतलब आप लोगों को तो पता ही है कि छठ में होता है क्या क्या है। फिर भी एक मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी ज़रूर, क्योंकि मैंने अभी ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है गाइस। तो सोच रही हूँ कि छोटी छोटी ब्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग्स अच्छी लगती है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी ब्लॉग्स को शेयर भी करें, ताकि आप लोगों की मुझे भी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइस। मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं घर बैठे बैठे हाउस वाइफ हूँ, मेरा भी बहुत मन करता है कुछ करने का, पर मेरे फैमिली में मतलब अलाउड नहीं है जॉब वगैरह करने का। तो मैं छोटे छोटे ब्लॉग्स बना लेती हूँ, मुझे वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है। पर कोई रिस्पांस नहीं आते मेरी वीडियोस पे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ आपके आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, तो आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो प्लीज़ उसी तरीके से मेरे ब्लॉग को भी शेयर करें। और प्लीज़ जितना हो सके उतना आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं और भी आप लोगों का प्यार देख के मेरे अंदर हिम्मत आए और मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा ब्लॉग बनाने की कोशिश करूं। अभी मैंने स्टार्ट किया, अगर मुझसे कोई गलती होती तो गाइस कमेंट में बिल्कुल बताएं कि मेरी गलती किस जगह है और क्या है, तो मैं अपनी गलती को सुधार सकूँ गाइस। तो प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो आप लोग सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच, बाय, फिर कल मिलेंगे।